अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि फेस पैक हम कैसे बना सकते हैं घर में। सिर्फ चार चीज़ें आपने लेनी है जो ईज़िली आपको अपने घर पर मिल जाएंगी, तो हम बोलेंगे और बहुत आसानी से हम लोग फेस पैक घर में बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ग्राम फ्लोर, जिसे हम लोग बेसन भी कहते हैं। बेसन को हम एज ए स्क्रब यूज़ करते हैं, ये स्क्रबिंग के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा जो पोर्स होते हैं उनमें जो बेसन होता है ये श्रिंकिंग करता है, वो उसमें श्रिंक के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा जो टैनिंग हो जाती है हमारी कोनियों पे, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो डार्कनेस हो जाती है उनको रिमूव करता है, यानी टैनिंग के लिए यूज़ होता है जो बेसन होता है। बेसन जो है वो हमारे चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो लेके आता है, और आप इसे इस्तेमाल करने के बाद ये चीज़ ज़रूर गौर कीजिएगा कि ग्लो लेके आएगा। और जो सेकंड है वो है हल्दी, टर्मेरिक पाउडर। हल्दी भी हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, ये जो हमारे चेहरे पे रेडनेस हो जाती है अगर हम कभी धूप में जाते हैं तो हमारा चेहरा सुर्ख नज़र आने लगता है, वो ये टर्मेरिक पाउडर जो होता है ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो हल्दी होती है वो रिंकल्स जो हमारे चेहरे पे होती हैं उन्हें कम करती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है योगर्ट, यानी दही। दही भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये रिंकल्स जो है उनको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें ये श्रिंक करता है। उसके अलावा ये मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज़ होता है, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और एक नेचुरल ग्लो लेके आता है आपके चेहरे पर। गर्मियों में हमारी स्किन अनइवन हो जाती है, यानी कि कहीं से वाइट कहीं से ब्लैक, तो जो दही होता है वो आपकी स्किन को एक सा टोन देता है, यानी स्किन को क्लियर कर देता है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है लेमन जूस, जो कि मैंने निकाल के रख लिया था। लेमन जूस में विटामिन सी होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेमेशन मीन के जो हम अगर गर्मियों में बाज़ लोग घर से बाहर जाते हैं तो धूप की वजह से उनके चेहरे पर रेडनेस हो जाती है, उसके अलावा जलन महसूस होने लगती है, तो ये उसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ये एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्नी को रिमूव करता है। उसके अलावा प्रीमैच्योर एजिंग यानी कि रिंकल्स को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले मैं 2 स्पून्स ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन की ले लूँगी। 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। अब इसके बाद हल्दी मैं 1/2 स्पून ले लूंगी। अब हम लेमन जूस लेंगे 2 स्पून्स। ये 2 स्पून्स मैंने लेमन जूस ले लिया है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही हमने कितना, अगर आपके पास थिक क्वांटिटी में नहीं है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर कम है तो आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हमारा फेस पैक तैयार हो चुका है। आपने ये ऐसे बनाना है कि ये ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लाइट हो, ऐसा हो कि आपके चेहरे पे बहुत इजीली अप्लाई हो जाए। जैसे कि देखिए मेरा है, ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा, तो मैं अब आपको अप्लाई करके बताती हूँ। इसका रिज़ल्ट आप ख़ुद देखेंगे, जब आप यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आप ख़ुद देखेंगे। यह मैंने अप्लाई कर लिया है। ये फेस पैक आप लोग ज़्यादा नहीं तो वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आप लोग वीक में 2 बार यूज़ करेंगे तो आप उसका रिज़ल्ट ख़ुद से देखेंगे। अब ये फेस पैक अप्लाई करने के बाद मैं रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो
टोनर के लिए यूज़ होता है, यानी कि स्किन टोनिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कि स्किन के पे कितना ग्लो आ गया है। आप ये फेस पैक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने फेस पे और इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।